जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय भारत में एक ऐसा शहर था जो अंग्रेजों की हुकूमत होने के बावजूद भी एक प्राइवेट सिटी थी। जिस शहर में अंग्रेजों को प्रवेश करने से पहले यहाँ के राजा से इजाज़त लेनी पड़ती थी। मैं बात कर रहा हूँ वडोदरा शहर, सयाजी नगरी और यहाँ के राजा सर सयाजीराव गायकवाड़ की। वडोदरा शहर को जानने से पहले हमें वडोदरा शहर के इतिहास को जानना भी जरूरी है। 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक हिंदू राजाओं का राज था वडोदरा शहर पर। उस समय वडोदरा शहर का नाम अंकुटका था, जो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध एक शहर था। उस समय अखंड भारत पर सुल्तान कुतुब अल दीन ऐबक का राज था। सुल्तानों का राज पूरे हिंदुस्तान पर था और वडोदरा की डोर दिल्ली के सुल्तान के पास थी। 12वीं शताब्दी से लेकर 1526 तक हिंदुस्तान पर सुल्तानों का शासन था। 1206 से लेकर 1290 तक ममलुक वंश, 1290 से 1320 तक अलाउद्दीन खिलजी वंश, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश। लंबे समय तक सुल्तानों द्वारा शासन करने के बाद 1526 में मुगलों द्वारा सुल्तानों को हराया गया और मुगलों का शासन शुरू हुआ। भारत के सबसे पहले मुगल राजा बाबर बने। बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई और शासन शुरू किया। जब मुगल राज कर रहे थे भारत पर, इसी समय के दौरान गायकवाड़ मराठा नंदाजीराव, किरोजीराव, जिंगोजीराव गायकवाड़ ने वडोदरा में प्रवेश किया। गायकवाड़ हिंदू मराठा थे जो पूना के पास स्थित दावड़ी गांव के रहने वाले थे। गायकवाड़ का गौरवशाली इतिहास तब शुरू हुआ जब मराठा जनरल पिलाजीराव गायकवाड़ ने 1726 में मुगलों से सोनगढ़ को जीत लिया। कुछ ही समय में गायकवाड़ गुजरात के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए। 1729 में त्र्यंबकराव गुजरात के सेनापति थे, जो दाबडे परिवार के थे। जब मराठा राजा छत्रपति साहू के पेशवा बाजीराव ने गुजरात में टैक्स वसूलने का फैसला किया, तब त्र्यंबकराव ने इसका विरोध किया और बाजीराव से जंग का ऐलान कर दिया। त्र्यंबकराव को हैदराबाद के निजाम निजामुल मुल्क और अन्य मराठा राजाओं से सहायता प्रदान थी, जिन्होंने पारंपरिक रूप से गुजरात पर नियंत्रण किया था। 1 अप्रैल 1731 में डबोई की लड़ाई में त्र्यंबकराव को हराया और हत्या कर दी। त्र्यंबकराव की मृत्यु के बाद उनके भाई यशवंतराव को छत्रपति साहू का नया सेनापति बनाया गया। दाबदे परिवार को इस शर्त पर गुजरात से टैक्स वसूलते रहने की अनुमति दी कि वे छत्रपति साहू के खजाने में टैक्स का आधा हिस्सा जमा करेंगे। 1732 में यशवंतराव की मां उमाबाई की मृत्यु हो गई। उमाबाई की मृत्यु के बाद दामजीराव ने वास्तविक सैन्य शक्ति प्राप्त की, क्योंकि यशवंतराव नाबालिग थे। सोनगढ़ को हारने के बाद 14 मई 1732 को मुगल गवर्नर अभय सिंह के दत्तों द्वारा डाकोर में पिलाजीराव की हत्या कर दी गई। सावली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दामजीराव को सैन्य शक्ति प्राप्त थी, इसलिए दामजीराव और पिलाजीराव गायकवाड़ के बेटे ने 1734 में मुगल सेनाओं को हराया और वडोदरा को जीत लिया। वडोदरा को जीतने के बाद दामजीराव ने वडोदरा को अपनी राजधानी बनाई और अपना शासन शुरू किया। इस तरह वडोदरा के प्रथम राजा दामजीराव बने। मार्च 1752 में दामजीराव ने बाजीराव के कहने पर दाबदे परिवार को छोड़ने का फैसला किया। बाजीराव द्वारा दामजीराव गायकवाड़ को गुजरात का प्रमुख बनाया गया, जिसके बदले में दामजीराव से करार कराया गया कि वे मुगलों को गुजरात से निकालने में उनकी मदद करेंगे। दामजीराव को इस पद के बदले में छत्रपति साहू को 5 लाख और सालाना 5,25,000 देने का तय हुआ और 20,000 घोड़ों की एक टुकड़ी पेशवा में बनाए रखने को कहा गया।
1752 में दाभदे परिवार को सम्मानपूर्वक सत्ता से हटाया गया और उन्हें गायकवाड़ द्वारा वार्षिक खर्च दिया गया। मुगलों को गुजरात से निकालना था, इसलिए 10 दिसंबर 1752 को पेशवा बालाजी बाजीराव ने रघुनाथ राव की आज्ञा से गुजरात में सेना भेजी। यह सेना दामजीराव की सेना में शामिल हो गई। इस तरह गुजरात में 50,000 मराठा सेना का एक मजबूत बल बना। बाजीराव गुजरात से मुगलों को उखाड़ फेंकना चाहते थे, इसलिए यह सेना ने अहमदाबाद को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय अहमदाबाद में मुगल गवर्नर जवान मर्द खां बाबी थे। कुछ समय तक जवान मर्द खां बाबी ने इस सेना से बचाव किया, लेकिन 1753 में अहमदाबाद की लंबी घेराबंदी के बाद मर्द खां बाबी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अहमदाबाद को विजय करने के बाद श्रीपत राव बापूजी को अहमदाबाद का नया राज्यपाल बनाया गया और अहमदाबाद का एक हिस्सा दामजीराव को दिया गया। अहमदाबाद की हार के बाद जुलाई 1756 में कैम्बे के नवाब मोमिन खान ने मुगल सेनाओं के साथ अहमदाबाद पर हमला कर दिया। जब अहमदाबाद पर हमला हुआ, उस समय श्रीपत राव पूना में थे। अहमदाबाद के बचाव के लिए बालाजी बाजीराव ने सदाशिव के नेतृत्व में एक सेना गुजरात में भेजी, जिसने दामजीराव की सेना के साथ मिलकर अहमदाबाद पर नियंत्रण पा लिया। 1761 में दामजीराव ने पानीपत की युद्ध में अहम भूमिका निभाई। यह युद्ध मराठा और अफगान के बीच हुआ था। सन 1763 में दामजीराव ने हैदराबाद के निजाम के साथ युद्ध किया और विजय हुए। युद्ध की सफलता के बाद दामजीराव गायकवाड़ को सेना खास खेल का खिताब मिला। सन 1768 में दामजीराव गायकवाड़ ने आखिरी युद्ध लड़ा, जो पेशवा और गायकवाड़ के बीच लड़ा गया था। 18 अगस्त 1768 में दामजीराव की मृत्यु हो गई। यह वीडियो में हमने आपको वडोदरा का इतिहास देखा।
यह वीडियो में हमने वडोदरा का इतिहास देखा 9वीं शताब्दी से लेकर 1768 तक। यह वीडियो में हमने वडोदरा का इतिहास देखा 9वीं शताब्दी से लेकर 1768 तक। अगली वीडियो में हम 1768 से यह कहानी की शुरुआत करेंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं पार्ट टू में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। चौदह सौ इक्यावन से 1526 तक लोदी वंश। लंबे समय तक सुल्तानों द्वारा भारत पर राज किया गया।